हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अब स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसे हम F&O ट्रेडिंग बोलते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलेगा फ्यूचर का एक लॉट बाई करने के लिए, डिलीवरी में आपको कितना मार्जिन मिलेगा फ्यूचर का एक लॉट बाई करने के लिए, उसके बाद जो इनकी एक्सपायरी होगी किस टाइम एक्सपायरी होती है, कैसे आप स्ट्राइक प्राइस को चेक करेंगे, CEPE कैसे आप उसको बाई करेंगे, कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन को, और आपको लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना होगा। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू F&O ट्रेडिंग इन अपस्टॉक्स। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अगर अभी तक आपने यूट्यूब नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से प्लस के निशान पर क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दो ऐसे इंडेक्स है जिसकी एक्सपायरी ऑप्शन के लॉट के अंदर हमेशा आपको वीकली मिलेगी। और उसके बाद आप किसी भी स्टॉक्स को, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस या फिर आप टाटा पावर, किसी का भी ऑप्शन का लॉट या फ्यूचर का लॉट को बाई करोगे तो उसकी एक्सपायरी हमेशा आपको मंथली मिलेगी। जो एक्सपायरी होगी वो हमेशा जो थर्सडे होगा वीक का उसको होगी, या फिर जो मंथली एक्सपायरी होगी जो लास्ट थर्सडे होगा मंथ का उसको एक्सपायरी होगी। तो आपको फ्यूचर या ऑप्शन का कोई भी लॉट बाई करने के लिए या फिर सर्च करने के लिए जब आप प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, तो आप अगर ऑल पे सिलेक्ट करते तो आपके पास कैश, F&O, करेंसी, कमोडिटी, टोटल आपके पास सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। आपको कैश पे क्लिक करके आपको और सारे कैश के आ जाएंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे आपको लोड साइज जिसका आप सर्च करेंगे उसका इंडेक्स आपके सामने आ जाएंगे, करेंसी में करेंसी, कमोडिटी में अलग अलग। आप चाहें तो अलग अलग सर्च कर सकते हैं या फिर ऑल पे क्लिक करके सब एक साथ में सर्च कर सकते हैं। हमें मान के चलता है F&O पे ट्रेडिंग करने, जब F&O पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें निफ्टी का कोई भी लॉट हमें बाय करना है। जब हम निफ्टी डालेंगे यहाँ पर सर्च करने के लिए, तो लोडिंग रिजल्ट के बाद आपके पास कुछ रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा आपके पास निफ्टी का फ्यूचर लॉट। देखो फ्यूचर के आपके पास लॉट आ जाएंगे। अगर आपको कोई ऑप्शन का लॉट बाई करना है तो यहाँ पे आप निफ्टी के बाद आपको एक्सपायरी, मान लो स्ट्राइक प्राइस आपको 17700 या 17800 कोई भी बाई करना है, जब आप यहाँ पर 17800 डालेंगे तो आपके सामने ऑप्शन के लॉट आ जाएंगे। जिस तरह एक्सपायरी 16 फेब होगी, उसके बाद स्ट्राइक प्राइस आपको 17800 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, फिर 17850 कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ऐसे आपके सामने अलग अलग आ जाएंगे और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस चेंज होते रहेंगे। यहाँ पे 50 पॉइंट का आपको गैप मिलेगा निफ्टी के अंदर इंडेक्स का चेंज नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे। हम सबसे पहले देखेंगे हमें फ्यूचर का एक लॉट बाई करना तो कितना मार्जिन मिलता है। जब आप निफ्टी डालेंगे तो सबसे पहले निफ्टी का फ्यूचर का लॉट होगा जिसकी एक्सपायरी 23 फेब, मतलब कि यहाँ पे एक्सपायरी होगी नेक्स्ट मंथ। तो अगर फ्यूचर की एक्सपायरी की बात करें तो आपको एक्सपायरी हमेशा मंथली मिलेगी फ्यूचर का एक लॉट के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपको एक्सपायरी वीकली मिलेगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। जिस तरह यहाँ पे 23 फेब है, उसके बाद मार्च की एक्सपायरी जो 10 डे होगा, उसके बाद अप्रैल की 27 अप्रैल की। आपको बाई करने के लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पर नीचे। देखो आप इसको बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी को आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। हमें बाय के निशान पे क्लिक करना है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पता चलेगा आप इसमें कितने ऑर्डर पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रेगुलर ऑर्डर पुट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई स्ट्रैटेजी आप यहाँ से अप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर होगा सबसे पहले कि आपको कितना मार्जिन मिलता है डिलीवरी के अंदर या फिर इंट्राडे के अंदर। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डिलीवरी एंड इंट्राडे। देखो यहाँ पर ऑलरेडी डिलीवरी सिलेक्ट है और एक लॉट के अंदर निफ्टी का आपको पता है कि 50 क्वांटिटी होती है इसके अंदर, तो मिनिमम आपको एक लॉट बाई करना पड़ेगा 50 क्वांटिटी। और उसके बाद ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने डिलीवरी सेलेक्ट करा, आप इसको डिलीवरी में ले सकते हैं, इंट्राडे में ले सकते हैं। इंट्राडे में आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा, डिलीवरी में आप जब तक इसकी एक्सपायरी है 23 फेब उस तक आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम एक लॉट आपको बाई करना पड़ेगा 50 क्वांटिटी। आप इसको मार्केट रेट पर बाई कर सकते हैं, फिर लिमिट लगा के जब आप इसे लिमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनुअली प्राइस डाल सकते हैं। अभी इसका प्राइस 17795 चला हुआ है, आप इसको 17700, 17800, जो भी 17750 जो आप मैनुअली करना चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन की बात आती है, आपको कितना मार्जिन मिलता है। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 17729 × 50, तो ये टोटल बनता है आपका 8 लाख के आसपास। बट आपको मार्जिन कितना पे करना पड़ता है, 1,00,00771 के आसपास आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। मतलब कि आपको कितना, इसमें से 12% के आसपास आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा एक लॉट बाई करने के लिए फ्यूचर का। बाकी जो 88% मार्जिन है वो अप्लीकेबल हो जाता है एंजल अप स्टॉक्स की साइड से। तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपये पे करने हैं एक लॉट बाई करने के लिए फ्यूचर का, जिसमें 50 क्वांटिटी हैं और एक का प्राइस 17791 रुपये चला हुआ है। उसके बाद आप इस पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करेंगे और सेम आपको मार्जिन ये इंट्राडे में मिलेगा। जब आप इस पर इंट्राडे पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर
सेम आपका मार्जिन ये रहेगा और सेम आपका मार्जिन डिलीवरी के अंदर रहेगा, मतलब कि 12% के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आपको अवेलेबल हो जाता है आप स्टॉक्स की तरफ से। उसके बाद ओरिजिनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से ऑर्डर को पूरे दिन वैलिड रख सकते हैं या IOC कर सकते हैं। IOC का मतलब इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल। तो उसके बाद रिव्यू ऑर्डर करेंगे तो आपका ये रिव्यू ऑर्डर के बाद आप उसको कन्फर्म करेंगे तो आपका ऑर्डर पुट हो जाएगा। आप इसमें मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। SL ऑर्डर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में कितना मार्जिन मिलता है, कैसे आपको बाय करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन का कोई भी लॉट लेते हैं, मतलब कि 17700 हमें कोई कॉल ऑप्शन बाय करना है। 17700 जब हम यहाँ पे डालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा कि कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको पता है कि जब मार्केट का साइड अप मूवमेंट की तरफ है तो हमेशा कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जब हमें लगे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी या फिर निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा तो हमेशा पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए। हमेशा सेलर साइड में पुट ऑप्शन होता है, बायर साइड में कॉल ऑप्शन होता है। स्ट्राइक प्राइस हमेशा ही चेंज होंगे 50+ पॉइंट के गैप में। CE मैंने बता दिया, CE एंड PE। एक्सपायरी हमेशा आपको ऑप्शन के अंदर इसकी वीकली मिलेगी जो थर्सडे होगा वीक का। अब इसकी एक्सपायरी 16 फेब की है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सेम आपका वही होगा कि यहाँ से आपको बाय के निशान पर क्लिक करना है। बाय के निशान पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर सेम ऑर्डर पुट कर सकते हैं, रेगुलर GTT कोई स्ट्रेटजी आप बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे डिलीवरी एंड इंट्राडे वही सेम है कि डिलीवरी में आप जब तक से एक्सपायरी यहाँ तक रख सकते हैं, इंट्राडे में आपको सेम डे स्केयर ऑफ करना पड़ेगा। एक लॉट में इसके अंदर 50 क्वांटिटी होगी, इसको मार्केट पे बाय कर सकते हैं या फिर लिमिट लगा के मैनुअली यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं। अब हम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे देखो एक लॉट बाय करने के लिए आपको 6500 रुपीज़ मार्जिन पे करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल इसकी वैल्यू ही इतनी बनती है। जब 50 की मल्टीपल आप यहाँ से इससे करेंगे तो टोटल इतनी वैल्यू बनेगी, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता, सिर्फ फ्यूचर लॉट के अंदर आपको मार्जिन मिलता है जिसमें 70-80% डिपेंड करता है कि किस एक्सपायरी का है, बट इसमें आपको 80-85% तक मार्जिन मिल जाता है फ्यूचर के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहे आप कमोडिटी में करें, चाहे आप करेंसी में करें या इक्विटी में करें, आपको किसी में भी मार्जिन अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ फ्यूचर के अंदर मार्जिन है, चाहे कमोडिटी हो करेंसी हो, इसमें आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लिमिट लॉट लगा के भी लिमिट पर बाय कर सकते हैं, मार्केट पर बाय कर सकते हैं। एडिशनल ट्रेडिंग वही रहेगी, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डे एंड IOC, आप डे में आपका पूरा ऑर्डर वैलिड रहेगा, IOC में इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। रिव्यू बाय ऑर्डर करेंगे तो आप यहाँ से नॉर्मल आप कंफर्म करेंगे तो आप ऑर्डर पुट कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा GTT एंड स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आपको GTT ऑर्डर पुट करना है और इसके अंदर आपको SL स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना है, कैसे आपको जो टारगेट ऑर्डर पुट करना है एक साथ में आप SL के साथ में, तो उस वीडियो आप जरूर वॉच करना। अगर आपको कोई डाउट है आज मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।